नमस्कार, जेनेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। अपने आसपास अगर कोई आप लावारिस वस्तु देखते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो वस्तु बम हो सकती है या विस्फोट हो सकती है। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी दें। बस में सीट में बैठने से पहले सीट के नीचे झांक कर देखें कि क्या कहीं वहां कोई लावारिस वस्तु तो नहीं पड़ी है। इस तरह के संदेश आपने ना जाने कितनी बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन कितनी बार हम लोग इन संदेशों को सुनने के बाद सतर्क हो पाते हैं? शायद हर बार नहीं। लेकिन आतंकवाद के इस माहौल में जरूरत है कि हम सभी सतर्क रहें और इस तरह संदेशों को गंभीरता से लें और अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पुलिस को या आसपास किसी मौजूद अधिकारी को जानकारी दें। हम युवा किस तरह से पुलिस की आंख और कान बन सकते हैं, यही आज जेनेक्स का मुद्दा है। जेनेक्स में आज हम बात करने वाले हैं कि आम लोग अपनी जागरूकता के जरिए किस तरह से आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईएन राममोहन जी हैं, फॉर्मल डीजी बीएसएफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हमारे साथ हैं, आरपी सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो अपने मन में कई तरह के सवालों को लेकर यहाँ पर मौजूद है कि हम लोग किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस समाज को, इस देश को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने में, ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जा सके। ये जो युवा है, हम दिवाली मेले में जाते हैं, दशहरा मेले में जाते हैं, हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, अगर हम सुरक्षा बलों की आँख या कान बन जाएँ तो वाकई में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। राममोहन जी, सबसे पहले सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हमें जटायु बनने की आवश्यकता है, उनका संदेश साफ था कि हम सतर्क रहें, अपने आसपास हो रही वाली जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उसके बारे में पुलिस को जानकारी दें। हम किस तरह से पुलिस की आँख या कान बन सकते हैं? मैं जनरली एड्रेस कर रहा हूँ, यंग ऑडियंस इज हियर, तो इन्हीं को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। आप लोग सब कॉलेज में पढ़ते होंगे, आप लोगों को थोड़ा आइडिया है कि लॉ क्या चीज़ है और ऑफेंस क्या है, क्राइम क्या है, आपको आइडिया है कुछ। तो हमेशा आपका एक चीज़ याद रखना है कि आप देशभक्त हैं, यू आर पेट्रियट्स ऑफ दिस कंट्री। एंड यू, ये चीज़ अच्छी तरह समझना है कि जब आप देश की सेवा करते हैं, आपका रिलीजन, आपका कास्ट इसमें नहीं आना चाहिए। यू आर विदाउट रिलीजन एंड विदाउट कास्ट। इसलिए मैंने पहले पूछा था, नॉर्थ ईस्ट में कोई है कि नहीं यहाँ पर? मैं केरला का रहने वाला हूँ, मैं भी कास्ट हिंदू हूँ, और जो कास्ट हिंदू का क्या मैं बताऊँ, अंग्रेजी में बोलता हूँ प्रेडिलेक्शंस, वो मुझे भी होता होगा, पता नहीं है। अब जब मैं पुलिस सर्विस में शामिल हुआ, मैं असम को ऑप्ट किया है, ये 1965 की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो क्यों आसाम गया? उस टाइम में नागर का इंसर्जेंसी चल रहा था और मेरे पास थोड़ा शौक होता होगा उस टाइम में, तो मैंने सोचा मैं जाके वहाँ पर देख लूँगा देश को। और जो मैं आसाम में गया, मैं उसको कभी नहीं रिग्रेट किया है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो ईस्टर्न साइड से माइग्रेट करके वहाँ पर सेटल किया है, चाइना और बर्मा से आके सेटल किया। वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो सब ट्राइबल है और अलग अलग किस्म के ट्राइब्स हैं वहाँ। नागा ही 30 ट्राइब्स हैं ऊपर, असम में 10-15 ट्राइब हैं, अरुणाचल में भी 20-30 ट्राइब हैं। हर एक ट्राइब का अपना रिलीजन है, एनिमिस्ट रिलीजन बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। और सबसे बड़ी खूबसूरत इनका है ये, मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में, क्योंकि मैंने कोई हिस्ट्री बुक में असम के बारे में पढ़ा नहीं था। उनके कहाँ कौन सा राजा था वहाँ पर, क्या रूल था, कुछ इंडियन हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ा था मैंने। तो असम में जाके मुझे पता चला कि ट्राइबल का कास्ट नहीं है। और मेरा पोस्टिंग पहले अपर असम में हुआ, नागालैंड बॉर्डर में, उस टाइम में नागा का इंसर्जेंसी चल रहा था। ये सब मैं बता रहा हूँ, इस पूरा कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ज्ञान से आप सुनिएगा। मैंने पहले नागा को मिला, तो वहाँ नागालैंड बॉर्डर में मुझे पेट्रोलिंग करता था मैं, शाम को 5 बजे निकलता था, 5 बजे में असम में अंधेरा हो जाता है, ईस्ट में है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइप बीच में है, तो सुबह 5 बजे ख़त्म होता है और 30 किलोमीटर रात को ट्रैक के साथ, रेलवे ट्रैक के साथ पेट्रोलिंग करता था। बीच में नागा गांव होते थे, मेरा बहुत दोस्ती हुआ नागा से। तब मुझे पता चला कि मेरे लोग असम पुलिस में लोग थे, कास्ट हिंदूस थे। वो कास्ट हिंदूस कैसे हुआ असम में? नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट करके असम ब्रह्मपुत्र वैली में गए और ट्राइबल के साथ मिलकर वो असमीज कास्ट हिंदू बना।
और कास्ट हिंदू बनने से उनका आप वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा का हो गया, बाकी ट्राइबल्स का कुछ नहीं है। तो नागा गांव में जाएंगे सब लोग समान हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, उसमें एक आदमी को हेडमैन इलेक्ट करते हैं। वहां पर आपने क्या पाया, किस तरह से सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखा है कि जब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनते हैं अपना धर्म और अपना कास्ट उठा के फेंकना चाहिए, और यही आम लोगों को भी आतंकवादियों के खिलाफ जंग में सोचना चाहिए। जी, ये बहुत जरूरी है। तो मैं एक फ्रेश कॉइन किया कि जिस दिन मैं यूनिफॉर्म पहना मैं अपना कास्ट और मेरा धर्म मैंने खो दिया। ये बहुत बड़ी बात और काफी अहम बात आपने कही है यहाँ पर सिंह साहब। आप किस तरह से हम आंख और कान बन सकते हैं, क्योंकि फ्रेज हम कई बार सुनते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जटायु की तरह हमें सतर्क होना पड़ेगा, लेकिन हम किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आसान शब्दों में आप किस तरह से बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अलर्ट रहें, जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके सामने हो रहा है या जो आप सुन रहे हैं उसके प्रति आपको सचेत अवश्य रहना है। जो माहौल है, कोई भी चीज़ संदिग्ध नज़र आए, कोई सिचुएशन सस्पिशियस नज़र आए, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आए तो उसे अवश्य बताएं। और ये निश्चित है कि बिना जन सहभागिता के, बिना आपके सहयोग के, पुलिस भी अपने आप में सर्वोपरि नहीं है, वो सर्वबली नहीं है, इसलिए बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। और अभी तक जो भी भारत ने हासिल किया है सुरक्षा के दुनिया में या अन्य उपलब्धियों में, वो जन सहभागिता से ही संभव हो पाया है। तो यू हैव टू बी द ईयर्स एंड आईज ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द पुलिस, और उसके लिए बिल्कुल जैसे श्री मोहन साहब ने बोला है, यू हैव टू हैव अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की भावना बहुत जरूरी है। जात पात और मजहब से उठकर राष्ट्रीयता की भावना यदि आपके अंदर है तो निश्चित तौर पर आप जो हमारी आपसे अपेक्षा है वो निश्चित तौर पर आप उस पर खड़े उतरें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होगा, अगर कोई आतंकवादी होगा तो आप जैसा ही दिखने वाला होगा, आपके भीड़ में ही घुला मिला होगा, उसकी किस गतिविधि को हम सर्विक मार, कोई लावारिस वस्तु पड़ी है तो देख के पता चल जाता है कि लावारिस वस्तु है, इसका कोई देखने वाला नहीं है तो वो लावारिस वस्तु की कैटेगरी में आ गए, लेकिन ऐसी कौन सी गतिविधियां हरकतें संदिग्ध हो सकती है जिसको देखने के बाद हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए? देखिए, जो शातिर से शातिर अपराधी भी है निश्चित तौर पर उसमें एक भावना, एक नर्वसनेस की फीलिंग अवश्य होगी, कहीं ना कहीं वो त्रुटि अवश्य करेगा। तो यदि आप अलर्ट हैं, यदि आप रिस्पॉन्सिव हैं तो निश्चित तौर पर वो जो उसकी लापरवाही है, जो त्रुटि है या जो उसकी नर्वसनेस है, जो उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके मूवमेंट से नजर आएगी, उसको आप तुरंत पकड़ लेंगे। और उसे यदि उसे आप पकड़ लेते हैं, भाप भी लेते हैं, वो हो सकता बाद में सही ना भी हो, पर आप तो उसको हमेशा उस संबंध में सूचित पुलिस को अवश्य कर देना चाहिए। सर, आपने बीएसएफ में सेवा दी है और सीमावर्ती इलाकों में आपने सालों साल ऐसी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में देखा है, उनको पकड़ा है, उनको पूरी तरह से खत्म किया है, आपका किस तरह का अनुभव रहा है? क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर भी आम लोग रहते हैं सीमा के आसपास, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ देखी और आम लोगों की किस तरह की भागीदारी आपको देखने को मिली है? क्योंकि आम लोगों की भागीदारी काफ़ी अहम, ना सिर्फ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हो जाती है बल्कि सीमावर्ती दूरदराज के इलाकों में भी काफ़ी अहम हो जाती है। बीएसएफ में बॉर्डर में गाँव होते हैं, मैं पश्चिम बॉर्डर के बारे में बोलता हूँ क्योंकि पाकिस्तान उस तरफ है, और अगर आप पसंद करेंगे नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो बॉर्डर सबसे सेंसिटिव है। नाउ इस गांव में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो धर्म अगर चाहे अच्छा हो बुरा हो, धर्म के लिए लोग फंस जाते हैं। अब बीएसएफ जो बॉर्डर में डिप्लॉयड है उनका व्यवहार सबसे अच्छा होना चाहिए सबके साथ, अगर उनका बिहेवियर ठीक है तो पब्लिक उनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखता है। और गांव में मान लीजिए कोई उधर से क्रॉस करके आ गया है और वो कोई दुश्मन की तरफ से आए हैं, हथियार लेके आए हैं या ड्रग्स लेके आए हैं, अगर हम बीएसएफ के लोग का व्यवहार इस गांव के साथ अच्छा है
तो उसमें जरूर कुछ लोग होंगे जो आके हमको खबर दे देगा भाई इस घर में फलां कोई आए हैं। यानी ये प्रैक्टिकल तौर पर बार बार देखा गया है कि आम लोगों की भागीदारी से बहुत बड़े बड़े ऐसे जो कई बार आतंकवादियों के मंसूबे होते हैं उनको विफल किया गया। तो BSF का व्यवहार सब लोग गाँव के साथ अच्छे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। अगर कोई घर में कुछ गलत आदमी आ गया है जरूर गांव के लोग जाके BSF को चुपचाप खबर दे देगा और इमीडिएटली हम जाके कॉर्डन करके उसको पकड़ सकते हैं। अगर BSF का बिहेवियर ठीक नहीं है तो गांव के लोगों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये सिद्धांत जो है, जो सिद्धांत जो सर ने बताया, ये सिद्धांत पुलिस पर भी लागू होता है, मोहल्ला पुलिसिंग। एब्सोल्युटली पुलिसिंग का एक फेयर प्ले एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है, और यदि वो क्रेडिबिलिटी अर्जित कर लेती है पुलिस तो फिर निश्चित तौर पर वो जो फेयर प्ले है तो मोहल्लेवासी भी फिर प्रोत्साहित होते हैं सूचनाएं देने में, और उन्हें वो प्रोत्साहन मिलता रहे इसके लिए हमारे लिए एज अ पुलिस फोर्स भी बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के प्रति निष्पक्ष रहें, न्यूट्रल रहें और अपनी विश्वसनीयता उनके बीच में अर्जित करें। कई सवाल है हमारे साथ जो ऑडियंस बैठी हुई है उनसे सवाल ले लेते हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी सर, जैसे आपने बताया कि मोहल्ला पुलिस की आपने बात की है, कोई भी पुलिस है या BSF है, कि हम लोग जैसे देख रहे हैं कि संदिग्ध है कोई व्यक्ति तो हमें तुरंत सूचना देनी है, लेकिन जैसे कई बार ऐसा पाया जाता है कि उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि मिलती भी है नहीं भी मिलती है, तो अगर हमारी सूचना के बावजूद भी अगर उस तरीके से नहीं एक्शन लिया जा रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए कुछ, लेकिन नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं है पुलिस का, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? आम लोगों के द्वारा दी गई सूचना को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, शायद इनका सवाल। बहुत बार आपको ऐसा महसूस होता है कि स्थानीय पुलिस आपकी सूचना को गंभीरता से ले रही है, परंतु ये आपका भ्रम भी हो सकता है कि जो भी हमारा एक्शन है वो हो सकता है हम पर्दे के पीछे ले रहे हों, जो कि हम फौरी तौर पर आपके बीच में या आपके नज़रों में नहीं लाना चाहते हैं, पर आपकी दी हुई हर सूचना हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है वो दिखे, ये काफ़ी अहम बात की गई कि जरूर पर्दे के पीछे शायद एक्टिविटीज़ हो रही है तो पता उसका शायद आपको ना चले, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। हाँ सर, मैं इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपने बताया कि जैसे हम किस तरह से निगरानी करें कि कोई आतंकवादी घटना तो नहीं हो रही, लेकिन सर मैं इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि हम किस तरह से इस तरह के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हमारी मीडिया में देखने को मिलता है कि इस आतंकवादी और इन तरह की मुद्दों को एक सनसनीखेज के रूप में पेश किया जाता है, जिससे आम युवाओं का मन आतंकवाद की तरफ या इनसे प्रभावित होते हैं। और जैसे मतलब क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे सनसनीखेज बनाकर इन खबरों को पेश किया जाता है, जैसे आम लोग उसे देखते हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अभी पिछले दिनों भी हुई हैं, तो उसमें वाहनों का इस्तेमाल होता है और खास करके वो वाहन पुराने ही होते हैं, सेकंड हैंड ही खरीदे गए होते हैं, तो अगर हम चाहे हमारे देश की जनता अगर वाहन बेच रही है किसी को तो उसमें किस तरह की सावधानी उसको बरतनी चाहिए? पब्लिक अगर कॉन्शियस है और कानून जानते हैं, हो सकता है कि पुलिस में कोई एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं या SHO भी हो जो पैसे के लिए मिलिटेंट या क्रिमिनल के साथ मिल जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई शक हो तो उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके ऊपर एक इंस्पेक्टर होगा, DSP होगा, उसके बाद सुप्रिंटेंडेंट पुलिस होगा। तो अगर आप कॉन्शियसली पता चल गया है कि इस थाने में कुछ गफला चल रहा है तो आपका जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन आप ऊपर जाके खबर देना इसके बारे में, क्योंकि आप एक बात समझना चाहिए कि जो पुलिस में जो व्यक्ति हैं वो भी ह्यूमन बींग्स है, उनका भी टेम्पटेशन होता है, वो भी गलत रास्ते में जा सकता है। सिर्फ वाहन की बिक्री नहीं, बल्कि जो भी चीज़ आप बेच रही हो, यहाँ तक कि आप कोई मोबाइल भी बेच नहीं जाएँ, तो जिसको आप बेच रहे हैं आपके बीच में जो मिडिल मैन है वो विश्वसनीय होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, और तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसकी ड्यू डिलिजेंस ड्यूटी बन जाती है कि वो दूसरे आदमी के बारे में जो भी उसका क्रेता है या विक्रेता उसके बारे में प्रॉपर अभिलेख और हिसाब किताब रखे। फिर साथ में हर आदमी के पास आज के दिन में पहचान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो पैन कार्ड है, या चाहे वो वोटर ID कार्ड है, ये होना बहुत ज़रूरी है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके कि वो उसकी वॉट इज़ हिज रेजिडेंशियल आइडेंटिटी एंड पर्सनल आइडेंटिटी, वो बहुत ज़रूरी है जी। वाहन तो छोड़िए, मैंने तो यहाँ तक देखा कि बहुत से मकान मालिक किराएदार को रख लेते हैं बिना उसका सत्यापन कराए हुए। सबसे ज़्यादा तो मैं उस पर अहमियत देना चाहता हूँ, जो लैंडलॉर्ड्स हैं टेनेंट्स को रखने से पहले उनकी अच्छी तरह से सत्यापन पुलिस के माध्यम से हो जाने चाहिए, और इसका तो हर प्रदेश पुलिस में इसकी व्यवस्था भी है।
थाने स्तर पर एक फॉर्म है उसे भरिए, उसका सत्यापन हो, जिससे ये तो मालूम रहे कि जो आपके पड़ोस में रह रहा है वो आदमी सही भी है या नहीं, इस पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। इसी सवाल के साथ एक सवाल सर मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि आजकल वो काफी प्रैक्टिकल भी है। आपने कहा कि जिस मिडलमैन के थ्रू आप अपना सामान बेच रहे हैं, चाहे वो कार है या स्कूटर है, तो उसके बारे में जानकारी लें कि किसको आप दे रहे हैं। लेकिन कई बार आजकल सोशल मीडिया के जरिए भी आप सामान बेच रहे हैं, और जो शख्स आपसे सामान खरीद रहा है जिंदगी में पहली बार या आखिरी बार उनसे आपकी मुलाकात हो रही है, ये बात तो, सही है तो ऐसे में आप अपने स्तर पर जो बेचने वाला है वो किस तरह से सत्यापित कर सकता है कि जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ वो सही शख्स है। बट ये बहुत जरूरी है, यह बात सही है कि बहुत सी आजकल तो ओला है, सॉरी ओला ही है एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप सामान बेचते हैं। जिसको भी आप बेच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत सत्यापन अपने लेवल पर, उसके बारे में थोड़ी संतुष्टि अपने लेवल पर कर लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और यदि आप बेच भी रहे हैं तो वो प्रॉपर उसका फिर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, जिससे कि फिर आपकी जिम्मेदारी ना रहे, नहीं तो बाद में फिर आपको परेशानी आ सकती है। यानी ओनरशिप का ट्रांसफर भी जरूर प्रॉपर हो जाना चाहिए, प्रॉपर करवा ले, प्रॉपर हो जाना चाहिए। आप सवाल है यहाँ से भी ले लेते हैं जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा जो प्रश्न है आप दोनों विशेषज्ञों से ये है कि जो सुरक्षा संस्थान हैं उन्होंने प्रक्रिया इतनी जटिल कर रखी है कि युवा किस तरीके से जुड़ सकते हैं, 100 नंबर पे डायल करते हैं या किसी और माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वरिष्ठ पदाधिकारियों को टैग करके बात पहुंचाते हैं, तो जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि कई बार युवाओं को बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, तो कोई भी युवा इस तरीके से अगर वो आसान हो जाए प्रक्रिया तो शायद युवा ज़्यादा तरीके से सक्षम हो सकेंगे और जुड़ सकेंगे। और दूसरा मेरा प्रश्न और है, वो भी ज़रूरी प्रश्न मैं समझता हूँ रहना चाहिए, कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं जिसमें युवा हैं तो सुरक्षा संस्थान या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिससे एनसीसी एनएसएस और रोवर रेंजर कैडेट हैं वो जाकर के एज अ वॉलंटियर काम कर सके। सूचना देना क्या वाकई में मुश्किल है, और सूचना देने के बाद क्या सूचना देने वाले को तंग होना पड़ेगा, जो आम बोलचाल की भाषा में अगर बोले, इसका क्या समाधान है? नहीं, ये जो इन्होंने जो बात उठाई है बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। सबसे पहली बात तो इनके मतलब इनके प्रश्न से ज्यादा इनके सुझाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और पुलिस का ये प्रयास तो अवश्य रहता है कि बिना बहुत ज़्यादा परेशानी दिए हुए है आदमी सारी सूचनाएं वो ले ले, और उससे जो लाभप्रद अंश है वो अपने पास उस पर आगे बढ़ सके। पर निश्चित तौर पर कभी कभार पूछताछ के लिए तो बुलाना तो ज़रूरी है। आम भावना में बहुत बार सिर्फ बुलाने पर ही उसको हैरेसमेंट मान लिया जाता है, बार बार बुलाने पर तो हैरेसमेंट है, यदि पर एक बार पूछा जा रहा है तो उसको बताने में भी हर्ज नहीं है। एक और सर जो उन्होंने सवाल पूछा कि स्कूल लेवल पर ही अगर हम अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाएं इन तरह की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में, ये एक अच्छा सुझाव है, इस पर काम किया जा सकता है। और किस तरह का ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है, किन किन बातों को स्कूल के बच्चों को समझाया जा सकता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर आतंकवादियों के खिलाफ अपना जो मिशन है उसकी बात हो? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में सुपरिंटेंडेंट पुलिस है, उनका पोस्टिंग हुआ वहाँ पर, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी उसका है कि वो पब्लिक उनके एरिया में कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि पुलिस आपके दोस्त हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक में कोई भी संख्या ले लेंगे, 10 आदमी ले लेंगे, उसमें एक दो तो उल्टा सीधा हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही वहाँ पर। लेकिन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके नीचे जो डीएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, डीएस इंस्पेक्टर है, ये लोग उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सुप्रीम ऑफ पुलिस का है। ये करने से पब्लिक को ऑटोमेटिकली इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट रखते हैं तो सब लेवल पुलिस पर, आपको पता चलता है कि कुछ आदमी यहाँ पर डाउटफुल है, तो ऊपर वाले को साथ जिसके साथ कॉन्टैक्ट है आप, उनका आपका जिम्मेदारी है कि उनको जाके बता दें कि हम इसके आदमी के ऊपर हमका हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। रेडिकलाइजेशन के बारे में किस तरह से यूथ अपने आप को अवेयर कर सकता है, जो रेडिकलाइजेशन चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी इमारत से हो, ये रेडिकलाइजेशन जो पूरी दुनिया के सामने खतरा है, उसमें यूथ अपने आप को किस तरह से बचाए? इसमें मैं थोड़ा सा जी जरूर देना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है रेडिकलाइजेशन से इशूज। आज मेरे ख्याल से कोई भी आप में से ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ हो, सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वाइबर हो, सबसे जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी रेडिकलाइजेशन जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रसारित होती है, प्रचारित होती है। यदि आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में ऐसे आदमियों के बारे में नज़र रखें जो कि इस रेडिकलाइजेशन के चपेट में आ रहे हैं, उनके कब्जे में आ रहे हैं,
तो उनके बारे में आप तुरंत सूचना दे सकते हैं। जो आप जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जुड़े रहिए, उस पर नज़र रखिए। ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिकल क्षेत्र में नज़र रखनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपकी नज़र रहेगी तो आप ऐसे डिजिटल एलिमेंट्स को अवश्य पहचान लेंगे। और पहचानने के बाद आप अपने स्कूल में अपने टीचर को बता सकते हैं, अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, अपने बड़े भाई से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इशू क्या है। हो सकता है ये इशू काफी गंभीर हो, आपका कोई दोस्त ही हो सकता है जिसके आप देख रहे हैं उसके डेली लिविंग स्टाइल में, उसके भाषा में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके उसके पहनावे में अंतर आ रहा है, उसकी विचारधारा में अंतर आ रहा है, उसके बारे में आप सूचित कर सकते हैं। ऐसी ही सूचनाएं हुई हैं जिस पर जो भी अभी तक जो बहुत सारे रेडिकल एलिमेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और जो अरेस्ट जो हम लोगों ने फिर प्रिवेंशन मेजर्स लिए हैं उसमें दोस्तों का बहुत अच्छा उसमें ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आम लोग खासकर हम जैसे युवा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप पूछना चाहते हैं बिजी एरिया में मार्केट या बाजार भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर आम लोग किस तरह से अपने आँख नाक खुले रखें। ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, अगर आप कॉन्शियस सिटीजन हैं और आप हमेशा एक दिन आप डेली बाजार में जाते हैं और आपको किसी के ऊपर डाउट आता है कि ये पर्टिकुलर दुकान में कुछ गलत आदमी बैठा है, कुछ डाउट होगा, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाके ऊपर पुलिस को बताना। अब सर इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है, हर जगह भीड़ है, लोग बाजारों में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, हर जगह भीड़ बहुत ज़्यादा है आजकल, खरीदारी खूब हो रही है, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो पुलिस की नज़र से भी थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस भी हर जगह सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन कुछ ऐसी जगह ज़रूर हैं जहाँ पर पुलिस का ज़्यादा ध्यान होता है, वहाँ पर ज़रूरत है कि आम लोग भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी कौन कौन सी जगह है जिनको आम लोग भी चिन्हित कर पाए कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा और सतर्क होने की ज़रूरत है? सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, शॉपिंग एरियाज हैं, सरोजनी नगर, लाजपत नगर जैसे भारी चांदनी चौक जैसे ऐसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं जहां पर खरीदारी और होती है, ये तमाम ऐसे एरियाज़ हैं जो कि संवेदनशील हो जाते हैं और वहां पर भीड़ रहती है, पर आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर पुलिस की व्यवस्था भी रहती है, DFMDs रहते हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से निरंतर प्रसारण भी होता रहता है जो संदेश हैं, CCTVs भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट वहाँ पर नज़रों में नहीं आ रही है, बट वहाँ पर व्यवस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैं देखता हूँ जैसे भीड़ मेट्रो स्टेशन हैं या भीड़ वाले स्थल हैं उसमें सिंगल लाइन लगी हुई, आदमी डबल लाइन बनाने का प्रयास कर रहा है, जल्दबाजी में प्रॉपरली तलाशी भी नहीं हो पाती, प्रॉपर फ्रिस्टिंग भी नहीं हो पाती है और उसमें परेशानी आ जाती है। संयम और थोड़ा सा इंतज़ार यदि कर सक होना चाहिए, यदि आपको किसी अंदर प्रवेश लेना है और उसमें थोड़ा सा विलंब हो भी रहा है तो उतना संयम बरतें, उतना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड चीज़ और भी है, एज अ यूथ आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो भी आपके निकट के बाजार स्थल हैं, आप अपने पड़ोसियों पर, अपने माँ बाप पर, उन सब के ऊपर ये प्रभाव डाल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी CCTV कैमराज लगे होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं परंतु सामान्य अपराध के दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है जी। यदि हर क्षेत्र किसी न किसी रूप में CCTV कैमरा के अंदर रहे, क्योंकि हर स्थान पर पुलिस का रह पाना संभव नहीं है, बट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, CCTV कैमराज का अगर व्यापक व्यवस्थापन संभव हो पाए और यदि चाहें और हर जगह आप चाहें कि पुलिस CCTV स्थापित कर दे या गवर्नमेंट कर दे तो वो संभव नहीं है। आप अपने स्तर से भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज में ये प्रोत्साहन जरूर दे सकते हैं। और चाहे आपकी जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी हो या कोई निजी गार्ड हो, व्यवस्था का सम्मान करे, पालन करे। अगर कोई आपसे आई कार्ड मांग रहा है, आपकी पहचान मांग रहा है, तो अपनी पहचान जरूर दिखाएं, ताकि अगर किसी के पास पहचान नहीं है तो वो अलग से पहचान में आ जाए कि इसके पास पहचान नहीं है, कोई संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है। बल्कि राहुल जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, आप जब भी इस भीड़ भाड़ वाले त्यौहार के मौसम में कहीं पर भी जाते हैं तो अपना एक पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें, बहुत जरूरी है जी। जाने से पहले जल्दी से एक और मुद्दा है उस पर जरूर छूना चाहेंगे, स्लीपर सेल की कई बार बात होती है, खुफिया एजेंसियों की तरफ से या पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाती है कि स्लीपर सेल से भी खतरा हो सकता है, ये स्लीपर सेल क्या है और क्योंकि स्लीपर सेल माना जाता है कि आम लोगों के बीच में ही होते हैं, उनको पहचानने में आम लोगों की भागीदारी और भी ज़्यादा अहम हो जाती है? मैं आपको पुलिस का जैसा फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। पुलिस में दो डिस्ट्रिक्ट में दो ग्रुप हैं, एक जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर है, ज़्यादा ज़्यादा सब इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद बड़े बड़े पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर भी होते हैं। एक स्पेशल ब्रांच है,
हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और एक डीएसपी उसको कंट्रोल करते हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल एसपी भी कंट्रोल करते हैं, वो स्पेशल ब्रांच है, वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं जी। ये एसपी का आंख और कान है और इनमें चुने हुए आदमी को रखते हैं, और पहला चीज़ ये है कि उनके पूरा टाउन और ज़िला में पॉपुलेशन जितना है उसके बारे में स्टडी करके सब पूरा आइडिया है कौन सी एरिया में कौन सी किस्म के लोग रहते हैं और कहाँ पर देश का दुश्मन आ सकता है, वहाँ से कुछ पैदा कर सकता है। ये स्पेशल ब्रांच के आदमी सिविल ड्रेस में घूमते हैं और हर एक मोहल्ला में वो अपना प्राइवेट किसी पब्लिक अच्छे आदमी को कॉन्टैक्ट करके रखते हैं और उनको उनसे थ्रू उनको खबर मिलता रहता है। जो एसपी ये सब प्रिकॉशंस लेते हैं उनका जिला स्मूथली चलता है। ये सब नियम भूल जाने से उसी में दुश्मन आ जाता है और बैठ जाता है। इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे स्लीपर सेल को पहचानने में आम लोग, क्योंकि वो भी वही है जो संदिग्ध आत्म गतिविधियां हैं, वो संदिग्ध गतिविधि किसी की भी हो सकती है। आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसी सस्पिशियस सिचुएशन और सस्पिशियस एक्टिविटी, मैंने पहले ही बोला था, वो नज़र आए तो चाहे वो स्लीपर सेल से संबंधित है या अन्य अपराध से संबंधित है, वो है असामान्य, तो उसे निश्चित तौर पर उसको सूचित, उसके बारे में सूचना देना बहुत जरूरी है। यदि आप दे सके तो बहुत ही अच्छी बात। कोई भी असामान्य गतिविधि, कोई भी संदिग्ध गतिविधि, उसको नाम कुछ भी दे दिया जाए, चाहे स्लीपर सेल उसका नाम दे दिया जाए या कोई ऐसे संदिग्ध गतिविधि वाला व्यक्ति जो संभावित तौर पर हो सकता है आतंकवादी हो, दूसरे की जान लेने के मकसद से आप लोगों के बीच में हो, तो ऐसे में उसको पहचानना, उसको भीड़ से अलग करने में पुलिस की जितनी भागीदारी है, पुलिस का जितना बड़ा रोल है, उससे भी बड़ा रोल हम जैसे आम लोगों का भी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की आँख और कान हर जगह देश के कोने कोने में मौजूद हैं, और अगर हम लोग भी पुलिस के आंख और कान बन जाए तो समझ सकते हैं कि तस्वीर वाकई में बदल सकती है। दुनिया के कई देशों में आम लोगों की भागीदारी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर भारत के लोगों से भी उम्मीद की जा सकती है कि उन लोगों की भी भागीदारी देश के कानून व्यवस्था को ना सिर्फ बनाए रखने में बल्कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भी उनकी भागीदारी और भी आगे बढ़े। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए और इस अहम चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपने तमाम बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए और आपने तमाम सवालों के साथ इस कार्यक्रम में आप इस विषय को समझने में हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही आज के लिए जेनेक्स में इतना ही, हमारी कोशिश थी कि हम लोग किस तरह से सतर्क हो सकते हैं, हमें जो यहाँ बातें जानने को मिली है उसके बाद वाकई में ये ना सिर्फ पूरी तरह से संभव है और इतना मुश्किल भी नहीं है सतर्क होना, अपने आसपास थोड़ा नजर रखिए और जहाँ कुछ असामान्य गतिविधि देख रहे हैं उसके बारे में सूचना कहीं आगे दे दीजिए, चाहे पुलिस को या किसी पास के किसी अधिकारी को, बहुत मुश्किल काम नहीं है लेकिन इसके जो परिणाम होंगे वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का, और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।